हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। और मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि 2021 जो है वो आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। आज मैंने अर्थ साइन के लिए रीडिंग ली है, अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। सो अभी मैंने सबसे पहले टॉरस की एनर्जी जो है वो निकाली है, तो हम देखते हैं कि टॉरस जो है उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है। पर्सनल लाइफ देखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, आउटकम देखेंगे एंड रेमेडीज लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एंजल नंबर मैं आपको दूंगी, वो आप गूगल कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या एंजल्स आपको मैसेज देना चाहती हैं। सो स्टार्ट करते हैं मेरी रीडिंग। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ काउंसलर, हीलर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। एंड आप, मैं मेडिटेशन ट्रेनर भी हूँ और अपनी मेडिटेशंस जो है मैं बनाती हूँ इस यूट्यूब चैनल में, आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। मैं डिस्काउंट दे रही हूँ इस टाइम पे क्योंकि न्यू ईयर है। सो आप मेरे साथ तो एक पर्सनल रीडिंग बुक करके भी देख सकते हैं अपने जोडियक साइन के हिसाब से कि आपका आने वाला साल कैसा जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं डिस्काउंट दे रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर जोडियक साइन जो है टॉरस, अर्थ एनर्जी जिनके अंदर होती है। सो जो टॉरस होते हैं, वर्गो और कैप्रिकॉन अर्थ एनर्जीज के होते हैं और इनके अंदर पेंटिकल्स की एनर्जीज जो होती हैं, ठीक है, जहाँ पर पेंटिकल आता है वहाँ पर ग्राउंडेड एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है। सो बात करते हैं टॉरस की। सो टॉरस, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको लेकर आप काफ़ी चिंतित हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप चाहते हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनकी मैरिज हो जाए और उनको कोई अच्छा साथी मिल जाए। आप अपना पेंटिकल लेके बैठे हैं, आप अपना ऑफर लेके बैठे हैं कि कोई ना कोई मुझे मिल जाए। तो डेफिनेटली आने वाले साल में आपके साथ जो है एक अच्छी घटना होने वाली है, आपको आपका लाइफ पार्टनर जो है वो ज़रूर मिलेगा। और डिवाइन जो है आपके लिए कोई ना कोई प्रपोजल जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई हो जिस पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई सोलमेट है जिसको कि आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। कोई आपको जो है ऑफर करना चाहता है, कोई आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली जो लोग शादी करना चाहते हैं, सो उनके लिए जो है शादी का प्रपोजल नेक्स्ट ईयर में ज़रूर से आ रहा है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए जो है उनकी फैमिली जो है वो भी बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर के मामले में आप जो हैं आपको अभी आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि पीछे अगर करियर आपका सही नहीं रहा है इस साल में तो वो क्यों हुआ, क्या गलतियां थी, ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है। हर्मेट का कार्ड है, तो आप अपनी चीज़ों पर ध्यान देंगे, फोकस देंगे कि पहले जो चीज़ें हुई हैं वो अब नए साल में ना हो, तो ये आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और बहुत सारी कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, यदि पहले समय सही नहीं था करियर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ में आपको जो है थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए, उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके आउटकम की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में आपने कुछ मेजर चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आपको पेन दे रही हैं। कोई आपका साइकिल था जो कि एंड हो रहा है, अब न्यू ईयर में नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आप बड़ों की ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए और कोई ना कोई पर्सन जो है वो आपको प्रपोज करना चाहता है। और यहाँ पर आपको जो है बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ लव में भी रहना है, अबंडेंस रहना है, खुश रहना है। अगर आप चाहते हैं तो आपको जो है खुश रहना है अपने आप में, जो भी खुशियाँ हैं उसके साथ खुश रहना सीखिए।
आपको क्या नहीं करना है। आप, मुझे लगता है आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर बहुत करते हैं, तो कंपेयर नहीं करना है आपको। किसी भी सिचुएशन को, पर्सन को कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि कंट्रोलिंग वाला जो सिचुएशन होती है वो सही नहीं होती है, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। और दूसरा कंट्रोल, जो इंसान कंट्रोल हो रहा होता है वो उस एनर्जी में नहीं रहना चाहता है। हर इंसान को फ्रीडम ज़रूरी होती है। आपको चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ करना है, चाहे वो करियर हो, पर्सनल लाइफ हो या आपकी हेल्थ हो। तो आपको जो चीज़ें, जो भी आप करेंगे वो मैच्योरिटी के साथ करनी है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या कह रही है, कौन सा नंबर है आपके लिए। ओके, 312, 312 से आप जो है सर्च कीजिएगा तो आपको आपका एंजल नंबर जो है वो मिल जाएगा। और आप उसको गूगल कीजिए, 321 एंजल नंबर, एंड जस्ट गूगल इट, सो आपको एंजल नंबर मिल जाएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग 2021 के लिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देती हूँ नए आने वाले साल की, और ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर, और मैं एक काउंसलर हूँ, हीलर हूँ और टैरो कार्ड रीडर हूँ। सो फ्रेंड्स, 2021 आने वाला है, सो आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक कर सकते हैं कि हमारा 2021 जो है वो कैसा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो एक जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं डिस्काउंट दे रही हूँ इस टाइम पे, सो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर आता रहता है, या फिर आप मुझे FB के मैसेंजर पर जो है वो वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टा का भी मेरा दीपिका मेडिटेशन पावर है, एंड FB भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्गो। वर्गो जो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, हम अर्थ एनर्जीज की अभी रीडिंग ले रहे हैं। सो अभी वर्गो के बारे में हम बात करते हैं। वर्गो, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। देखिए, पर्सनल लाइफ में अगर आप चाहते हैं आप शादी करें, और आप तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप अरेंज मैरिज चाहते हैं तो आपको जो है अपने लिए लड़की या फिर गाय, जो भी है, आप प्लीज़ वाइस वर्सा देखिए। सो वो आपको सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो तो उस क्षेत्र में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अगर कोई रिलेशन में ऑलरेडी हैं तो उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि एक अच्छा बाउंड आप लोगों के बीच में क्रिएट हो सके। अगर अरेंज मैरिज की बात करूं तो भी आपको एफर्ट्स करने होंगे, ठीक है। कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, और कुछ लोगों के ये ट्रेडिशनल कार्ड भी होता है। सो ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज हो सकती है, और ये हेरोफेंट है, सो वो टॉरस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉरस का कार्ड है। सो वो जो है आपके अर्थ एनर्जीज वाले भी हो सकते हैं, टॉरस के भी हो सकते हैं, ठीक है। जो सिंगल्स की बात करूं, अगर कोई ऑलरेडी किसी के साथ है तो उसमें मूवमेंट होगी, आगे एक नया स्टेप लिया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो उसमें कुछ मूवमेंट होगी। अगर मैरिज करना चाहते हैं सिंगल्स तो उनकी मैरिज भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं आपके करियर के लिए, देखिए करियर में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, कुछ बाहरी लोग ऐसे रहे हैं जो आपको प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख पा रहे हैं। सो आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स के तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको पैशनेट तरीके से काम करना है करियर में, ठीक है, और इमैच्योरिटी के साथ नहीं करना है। डिवाइन ने आपके लिए ज़रूर से ऑफ़र रखा है, सो डेफिनेटली करियर में भी अच्छा होने वाला है 2021 में। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ये एस ऑफ कप्स है। सो आपको स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है ज़्यादा। आउटकम की अगर मैं बात करूं, आप किसी चीज़ पे मेहनत तो बहुत करते हैं, किसी भी चीज़ पर, चाहे वो रिलेशन हो, करियर हो, लेकिन आप डरे डरे से रहते हैं। तो आपको डरना नहीं है, डिफेंसिव नहीं होना है, डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है, फियर में नहीं रहना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर से आपको फल मिलेगा, ठीक है। वर्गो, आपको सेल्फ लव भी करना है, और जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, जो लेडीज़ मैरिड हैं वो प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। आपका जो कनेक्शन है वो एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जेमिनी ज़ोडियक साइन भी हो सकता है, और कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। ये जनरल रीडिंग्स हैं फ्रेंड्स, सो कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है तो ये आपके पार्टनर जो हैं होंगे, जो वो सोलमेट होंगे, ठीक है।
रेमेडीज आप लोगों के लिए जो है वो माइंड माइंड के गेम नहीं खेलने हैं आपके साथ। हो सकता है कोई माइंड गेम खेलता है, तो आपको फोकस करना है कि कौन ऐसा है। शेयर कीजिए, अपनी हॉबीज में जाइए, पैशन चीज़ों जो भी पैशनेट चीज़ें हैं आपकी लाइफ की, उन चीज़ों को शेयर कीजिए, अपनी हॉबीज़ को शेयर कीजिए। अगर आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो उस चीज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको शेयर करना है जो भी बात आप कहना चाहते हैं, क्योंकि आप काफ़ी फियरफुल रहते हैं, डिफेंसिव रहते हैं, तो वैसा नहीं करना है। थोड़ा अलोननेस में भी जाना है, यानी कि थोड़ा मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है, थोड़ा अकेले समय बिताना है, ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो ओवरऑल जो अगर मैं वर्गो आपकी एनर्जीज लूँ तो अच्छी हैं, सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी आ रही हैं। तो एंजल नंबर देखते हैं, आपके लिए एंजल नंबर है 123। प्लीज़ गूगल इट, 123 एंजल नंबर, एंड यू विल गेट द एंजल मैसेज फॉर योरसेल्फ फॉर 2021, ठीक है फ्रेंड्स। ये रीडिंग थी हमारे वर्गो के लिए। आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। एंड 2001 के लिए आप मेरे से बुक कर सकते हैं, मैं अभी डिस्काउंट दे रही हूँ, ठीक है। स्टे हैप्पी।